तो वही गृह मंत्री अनिल विज ने शनिवार को अंबाला के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में जनता दरबार लगाया। विज ने जनता दरबार में हिसार एक्साइज विभाग के इंस्पेक्टर दिनेश मेहरा भी पहुंचे और 35 करोड़ का अवैध शराब घोटाला पकड़ने जाने पर यह खतरा बताते हुए सुरक्षा की मांग की है। दिनेश ने बताया कि जोरबा वाइन फार्म संचालक तरुण मेहता पर करोड़ों रुपए ठेका फीस बकाया थी। इसमें उन्होंने डीईटीसी हिसार पर भी मिली भगत का आरोप लगाया है, जिसके कारण ये घोटाले को अंजाम दिया गया, जिस पर मंत्री ने मामले की निष्पक्ष जांच करवाने और सुरक्षा के आदेश दिए हैं। इस मौके पर उन्होंने किसानों के बुलाए गए भारत बंद पर बोलते हुए कहा कि आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अमृत महोत्सव को लेकर राहुल के ट्वीट पर भी उन्होंने पलटवार किया। आजादी का अमृत महोत्सव है, आजादी के 75 साल मनाने का। जो आदमी उसका भी विरोध करता है तो हिंदुस्तान की आजादी के विरोध में है ना, उसका तो हमें स्वागत ही करना चाहिए। भाई सरकार मना रही है, आप भी मनाओ, सारा देश मनाए, सभी पार्टियां मनाए, सभी जातियां मनाए, सभी वर्ग मनाए, सभी क्षेत्र मनाए। आजादी तो सारे देश की है ना, उस पर तो कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। भारत बंद की काल उन्होंने दे रखी है और हमारा उनसे यही कहना है कि आम आदमी को दिक्कत ना हो। तो कल भी कुरुक्षेत्र के अंदर किसानों का उग्र आंदोलन देखने को मिला, कई बीजेपी के शीर्ष भी तोड़े गए। नहीं, ये गलत है, इसको किसी भी आंदोलन में ठीक नहीं ठहराया जा सकता। आप धरने दीजिए, जुलूस निकालिए, भूगड़ताल करिए, लेकिन आप मार पिटाई करें, शीशे तोड़े, महात्मा गांधी के देश में ऐसा नहीं हो सकता।